समेत हम सब आईन और कानून के सामने जवाब दें। मुझे चैलेंज करो कि ये गलत है, फिर मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं ठीक हूं। कई हफ्ते की खामोशी के बाद मुल्की सियासत में एक बार फिर हलचल मचने को तैयार। सियासी बैठकों, मुशावरतों और पेशियों से भरपूर हफ्ते में नवाज शरीफ, इमरान खान इसाकदार अदालतों में पेशियां भुगताएंगे। सियासी कायदीन के मुस्तकबिल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मॉडल टाउन रिपोर्ट पब्लिक करने के केस का फैसला भी सुनाया जा सकता है। नवाज शरीफ का शहरे इक्तदार में पड़ाव, क्या होगा अगला सियासी दाव? साथियों के साथ पंजाब हाउस में मुशावरती बैठक, एहतसाब अदालत में पेशी, सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ से वजीर आजम शाहिद खाकान, चौधरी निसार समेत अराकीन पार्लियामेंट की मुलाकातें। नवाज शरीफ कल 1 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कभी अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बना। नवाज शरीफ की चौधरी निसार से मुलाकात ने काम दिखाया। साबिक वजीर दाखला ने गिले शिकवों को भुलाया। हर मामले पर मैं की गर्दान करने वाले चौधरी निसार की जुबान से 1.5 माह बाद पार्टी के लिए खैर का कलमा निकला। चौधरी निसार ने नवाज शरीफ की बर वक्त वतन वापसी को दुरुस्त फैसला करार दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क्यादत में कल भी मुत्तहिद थी, आज भी मुत्तहिद है और आने वाले दिनों तक इंशाल्लाह मुत्तहिद। नून लीग मुत्तहिद थी और रही। लीगी सेनेटर आसिफ किरमानी की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं कबल इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा करने वाले पहले केपी हुकूमत खत्म करें। तो साजिशें भी जारी रहती हैं, खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद बढ़ती रहती है और उसका मुकाबला भी होता रहता है। हमने हमेशा से इन चीज़ों का गैर जमहूरी कुव्वत में जो जमहूरियत के दुश्मन है इस मुल्क में, जो इस मुल्क के करप्ट तरीन लोग हैं वो नवाज शरीफ को करप्ट इसलिए कहते हैं कि उन्हें मालूम है कि 2018 में उनके साथ क्या होने जा रहा है। मरियम औरंगजेब बोली, पहले ही कहा था कि जब शेर आएगा तो सारा पाकिस्तान देखेगा। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम, वजीर खजाना इसाकदार की लंदन से वापसी के साथ ही एहतसाब अदालत में पेशी। 27 सितंबर को इसाकदार के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इसाकदार की 7 दिन की मुहलत की इस्तदा मुस्तरद, हाजिरी यकीनी बनाने के लिए वजीर खजाना को 50 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। तौहीन अदालत के इमरान खान को माफी मिलेगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया और 27 सितंबर को सुनाएगा। नाअहली केस में सरबरा पीटीआई ने मनी ट्रेल की असल दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी। मियां बीवी के दरमियान अदायगी किसी मजाज अथॉरिटी को जाहिर करना जरूरी नहीं, कप्तान का मौकिफ। मुल्क में नए इंतखाबात की जरूरत है। नाअहल वजीर आजम इदारों के दरमियान तसादुम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बाबर आवान की तनकीद, नईमुल हक ने शाहिद खाकान अब्बासी को कठपुतली वजीर आजम करार दे दिया। मौजूदा हुकूमत जो है तो नवाज शरीफ ही की, मगर एक कठपुतली वजीर आजम मौजूद हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कानून की धज्जियां उड़ाएं और किसी न किसी तरीके से कोर्ट्स के खिलाफ मजाहमत को आगे बढ़ाकर इस निजाम को खत्म। इमरान खान अहमक मोरा है, जल्द पिट जाएंगे, साद रफीक का ट्विटर पर कप्तान को जवाब। नवाज शरीफ की डील से मुतालिक कुछ इल्म नहीं, ऐसे मामलात सिर्फ इमरान खान जानता है। पीपल्स पार्टी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कल तक एमक्यूएम को बुरा भला कहने वाले आज उनसे इत्तेहाद करना चाहते हैं। सन है मॉडल टाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक न करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का अपील पर रोजाना समाअत का फैसला, फरीकैन को 2 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। तीन अहम लोग जिसमें नायक साहब, रुबीना खालिद, फतेह मोहम्मद हसनी,
इन्होंने वोट दिया, किसको वोट दिया इन्होंने, इन्होंने हुकूमत वक्त को वोट दिया। नहीं, मुख्तलिफ पार्टियों वाले जी, जिस तरह मतलब कराची से ही जो जो कराची की पार्टियां हैं उन्होंने भी रब्ता किया है, ऐसी बात। पार्टी से निकाले जाने का फैसला मंजूर है, कल भी एमक्यूएम के साथ था, आज भी मुखलिस हूँ। कराची की मुख्तलिफ जमातें राबिता कर रही हैं। सेनेटर मियां अतीक की आज न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। वफाक की तरह सिंध की सियासत में भी हलचल, नया इंतखाबी अलायंस बनने का इम्कान। पीएसपी वफ की पीर बगारा से मुलाकात, मुस्तफा कमाल कहते हैं एमक्यूएम के पास विकेट के लिए पिच ही नहीं है, इनकी मजीद विकटें गिरेंगी। सदरुद्दीन राजदी बोले एनटीपीपी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनना चाहिए। जस्टिस नवाज कत्ल केस, क्वेटा की मकामी अदालत ने साबिक सूबाई वजीर दाखला नवाबजादा गजैन मरी की उबूरी जमानत में 10 रोज की तासी कर दी। केबीके में मोबाइल फोन के IMEI नंबर की तब्दीली का धंधा सरे आम जारी, मोबाइल फोन के जरिए दहशतगर्दी का खदशा, सूबे में जुर्म के इर्तिकाब ने नेक्टा की नींदें उड़ा दी, महकमे दाखला और FIA को फिर मरासला लिख दिया गया। सिम कार्ड की तरह मोबाइल फोन भी खरीदार के नाम पर रजिस्टर किया जाए, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का जिन काबू करने के लिए सिंध हुकूमत की तजवीज। सूबाई हुकूमत ने वफाकी वजारत दाखला को अगस्त में खत लिखा, हुकूमत ने क्या किया अभी तक कुछ वाजे नहीं। किसी की तारीख पैदाइश तो किसी का नाम ही गलत, नादरा के नादर कारनामों ने कराची वालों को चकरा दिया, नादरा मेगा सेंटर के बाहर तवील कतारों में लोग घंटों ख्वार, हमले के नामुनासिब रवैये का भी शिकवा। अंदर पहुंच जाते तो कोई ना कोई फटिक डाल देते, वाली साहब को लेके आओ, वाली साहब को दे देते, वालदा का लाओ, भाई का लाओ, किसको खानदान का किसी का भी लाओ, अब मेरा डेट खत्म है। लेकिन अब धूप में खड़े हुए हैं, इतनी देर हो गई, कोई औरतों का कोई देखा ही नहीं जा रहा, कि हम 8 बजे से आए हुए हैं, कोई सहूलत भी नहीं है यहाँ पर, और हमें मालूमात भी हासिल करें तो हम किससे करें। पेशावर में डेंगू वायरस बेकाबू, खैबर टीचिंग अस्पताल में जेरे इलाज एक और मरीज दम तोड़ गया, जहाँ वहाँ अफराद की तादाद 34 हो गयी। डेंगू के खिलाफ इकदाम न करने पर पेशावर के वासियों का पारा हाई, यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज, सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारे, टायरों को आग लगा दी। कराची में लगने वाली एक और आग ने फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी की कलई खोल दी, शफीक मोड़ पर गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग पर 10 घंटे बाद काबू पाया गया। मेयर कराची की एक बार फिर वसाइल ना होने की गर्दान, कहते हैं सिंध हुकूमत पैसे नहीं देती तो सामान ही लेकर दे दे। गवर्नमेंट से बहुत दफा कहा है कि हमें इक्विपमेंट चाहिए, हमें फंड्स मत दें, इक्विपमेंट लाके दे दें, हमने लिस्ट दी हुई है इक्विपमेंट। बहावल नगर में नाम निहाद पंचायत के हुक्म पर रेप होने वाली लड़की की आवाज आज न्यूज ने उठाई तो पुलिस भी हरकत में आई, FIR में नामजद मजीद 2 मुलजिमान को पकड़ लिया, मुकदमे में वनी एक्ट की दफात भी शामिल। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की लाजवाल कुर्बानी की याद में शहर शहर मजालिस अजा का एहतमाम, अजादारों की सीना को भी इमाम बारगाहों के अतराफ सिक्योरिटी के कड़े पहरे, दुनिया भर से जायरीन की करबला आमद का सिलसिला भी जारी। पाकिस्तानी और रूसी फौजियों की मुश्तरका मशकें जारी, 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में दहशतगर्दों से निमटने और गमालियों को छुड़ाने का मुजाहरा किया जाएगा, दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेज के सरबराहान ने भी शिरकत की। भारत में हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर,
मुस्लिम लड़के से दोस्ती क्यों की, बाहर चाय क्यों पी, बीजेपी की खातून रहनुमा का पारा हाई, अलीगढ़ में लड़की पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। एंगेला मर्केल चौथी बार चांसलर मुंतखब, कहती हैं शामी पनाह गजीनों के मसले की बुनियादी वजूहात पर तवज्जो देंगी। दाएं बाजू की जमात AfD तारीख में पहली बार पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब, जर्मनी में AfD के खिलाफ मुजाहिरे। अमेरिका ने शिमाली कोरिया, चाड और वेनेजुएला के शहरियों पर भी सफरी पाबंदियां आयद कर दी। ट्रंप ने सदारती फरमान जारी कर दिया, पाबंदी का इतलाक 18 अक्टूबर से होगा। अमेरिकी हुकूमत इससे पहले ईरान, लीबिया, शाम, यमन और सोमालिया पर पाबंदी आयद कर चुकी है। When somebody disrespects our flag, to say get that off the field right now, out, he's fired. कौमी तराने के दौरान बैठने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ बयान ट्रंप को महंगा पड़ गया। मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों का तराने के दौरान घुटनों के बल बैठकर एहतजाज, अमरीकी गुलूकार भी सरापा एहतजाज, हजारों फैंस के सामने घुटनों पर बैठकर परफॉर्म किया। ट्रंप का बयान शर्मनाक करा। टीम में आने वाले नौजवान खिलाड़ियों को मिसबा और यूनुस का मुतबादल कहना नाइंसाफी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे मुल्की सियासत में होने वाली जबरदस्त हलचल से। आज से शुरू होने वाले हफ्ते में नवाज शरीफ और इसाक डार पेशियां भुगताएंगे और इमरान खान के खिलाफ तोहीन अदालत केस का फैसला भी सामने आने वाला है। इसाक डार आज अदालत के रूबरू पेश हुए और उनके खिलाफ फर्द जुर्म 2 रोज बाद आयद की जाएगी। अदालत में मॉडल टाउन जैसे हम मुकदमात पर भी फैसला सुनाएगी और मुल्क के सियासी माहौल में एक भौंचाल आ चुका है और ये भौंचाल इस हफ्ते के आगाज में ही शुरू हो चुका है, क्योंकि इसी हफ्ते में नवाज शरीफ और इसाक डार पेशियां भुगताएंगे और साथ ही साथ इमरान खान के हवाले से भी उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस का जो फैसला है वो सामने आ सकता है। इसाक डार की बात करें तो हमने देखा कि वो आज अदालत के रूबरू पेश हुए, लेकिन उनके खिलाफ जो फर्द जुर्म है वो 2 रोज बाद आयद की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि ये हफ्ता इसलिए भी अहम है नाज़रीन, क्योंकि इसी हफ्ते में अदालत मॉडल टाउन जैसे अहम मुकदमात पर भी फैसला सुना सकती है। मैं आज यहाँ पेश हुआ हूँ सिर्फ इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म समेत हम सब आईन और कानून के सामने जवाब दें। मुझे चैलेंज करो कि ये गलत है, फिर मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं ठीक हूँ। सियासी बैठकों, मुशावरतों और पेशियों से भरपूर हफ्ता, मुल्क के मुंजमित सियासी माहौल में हलचल मचाने को तैयार है। सबसे पहले साबिक वजीर आजम एहतसाब अदालत में हाजिर होंगे। नवाज शरीफ उसी रोज मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बैठक लगाएंगे। 27 सितंबर का सूरज PTI के मुस्तकबिल की सिमत लिए उफक पर नमूदार होगा और इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाएगा। उसी रोज एहतसाब अदालत वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस की समाअत करेगी, जहां उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रमा हफ्ते शरीफ फैमिली के लिए खतरे की घंटी बजाने वाले मॉडल टाउन केस में पंजाब हुकूमत की अपील पर रोजाना की बुनियाद पर समाअतें होंगी। इसी केस में अदालत की जानिब से फरीकैन को 2 अक्टूबर जवाब जमा कराने की मोहलत दी गई है। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ आज सुबह वतन वापस पहुंच चुके हैं। उन्हें काफिले की सूरत में पंजाब हाउस इस्लामाबाद पहुंचाया गया, जहां उन्होंने मसरूफ दिन गुजारा। वजीर आजम शाहिद खाकान समेत लीगी रहनुमाओं ने उनसे मुलाकातें की। नवाज शरीफ और चौधरी निसार की भी अहम मुलाकात हुई, गिले शिकवे दूर हो गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी, लीगी रहनुमाओं ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया।
नवाज शरीफ बड़े काफिले की सूरत में पंजाब हाउस इस्लामाबाद पहुंचे। जहां उन्होंने मसरूफ दिन गुजारा, वजीर आजम शाहिद खाकान ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की। पंजाब हाउस में मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां जोरों पर रहीं। नवाज शरीफ की आमद के बाद कारकुनान पुरजोश हैं। लीगी रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ जिसमें स्पीकर अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ किरमानी का कहना था कि नून लीग मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क्यादत में कल भी मुत्तहिद थी, आज भी मुत्तहिद है और आने वाले दिनों तक इंशाल्लाह मुत्तहिद। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि कबल अज वक्त इंतखाबात का दावा करने वाले पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खत्म करें। स्नैप इलेक्शन का अगर बहुत शौक है इमरान खान को तो उन्हें चाहिए कि आज केपीके की असम्बली तोड़ दें, वहाँ पे इलेक्शन अनाउंस करें ताकि उन्हें कोई संजीदा ले। उन्हें तो संजीदा लेता नहीं, अपनी असम्बली क्यों नहीं तोड़ते? वहाँ की तो सबसे ज्यादा बुरी कारकर्दगी है, परवेज खटक की जितनी बुरी कारकर्दगी है किसी के नहीं है। विफाकी वजीर इत्तिलात मरियम औरंगजेब का भी कहना था कि हमने कहा था कि शेर आएगा और सारा पाकिस्तान देखेगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मंगल को दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। नाजीन, अगर ये कहा जाए कि नून लीग की परेशानियों और चौधरी निसार की मैं का चोली दामन का साथ है तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन उनकी मैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद शायद खत्म हो गई है और इसीलिए डेढ़ माह बाद उनके मुंह से नून लीग के लिए खैर का कलमा निकला। मैं कभी अपने मुंह में मिंटू नहीं बना। साबिक वजीर दाखिला की मैं तवील अरसे से मीडिया की जीनत बनी है। मैं कभी अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बना। गुज़िश्ता डेढ़ माह में चौधरी निसार नून लीग में ठनी हुई थी। उनके बयानात अपोजिशन लीडरों से किसी तरह कम ना थे। वजारत से वफाकी वजारत से ऐसे ही अपने आप को अलग नहीं कर लेता, कोई इश्यूज होते हैं, अगर उन इश्यूज पे मैं इजहार ख्याल करूं तो शायद पार्टी को नुकसान हो। किसी ने लीक कर दी, मुझे नहीं पता किसने, तो ये बदयानती उसकी है, कम से कम मैं वो बदयानत नहीं हूं। लगता है कि शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की चंद रोज कबल मुलाकात ने दूरियां कम कर दी हैं। पंजाब हाउस में उन्होंने नवाज शरीफ से वन ऑन वन मुलाकात की और बिलाखिर डेढ़ माह बाद साबिक वजीर दाखिला के मुंह से निकलने वाले खैर के कलमात लीगी रहनुमाओं और कारकुनान के लिए राहत जबकि अपोजिशन के लिए तकलीफ का बाइस बने। अभी आपको फौरी खबर देते हैं कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नैब में एक और इंक्वायरी का आगाज हो गया है। नैब ने तहकीकात के लिए पुलिस से भी मदद तलब कर ली है। मजीद जानेंगे इस अहम खबर की डिटेल। आज न्यूज के नुमाइंदे अदनान खालिद ने हमें ज्वाइन किया है। अदनान, नैब की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ अब कौन से केस की इंक्वायरी शुरू की गई है और यह भी बताइए कि नैब ने पुलिस से आखिर किस किस्म की मदद तलब की है? जी, नैब लाहौर ने पहले से जेरे तफ्तीश जो मुकदमात हैं उस हवाले से साबिक वजीर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ एक केस जो था जिसमें गैर कानूनी प्लाटों के एलिए के अलॉटमेंट का केस था जो कि पहले से बंद हो चुका था, उसको दोबारा उसकी तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस हवाले से नैब लाहौर ने लाहौर पुलिस से भी मदद तलब कर ली है और 13 अफराद को समन भी जारी कर दिए गए हैं। ये 13 अफराद में ज्यादातर लोग वो शामिल हैं जो साबिक ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं। याद रहे कि ये तमाम प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का जो सिलसिला हुआ था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजीर आला पंजाब के दौर में किया गया था। इस हवाले से नैब लाहौर ने 13 अफराद के नाम के समन भी जारी कर दिए हैं और इस हवाले से लाहौर पुलिस से मदद भी तलब की गई है। इस हवाले से सीसीपीओ लाहौर को हदायतनामा भी जारी किया गया है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि इन 13 अफराद को 29 सितंबर से कबल जो है वो नैब लाहौर के सामने पेश किया जाए और इन 13 अफराद को मुतलका थानों के SHO जो कि इन 13 अफराद के जिनके एड्रेसेस भी मेंशन किए गए हैं मुतलका थानों के SHO की मदद से जो है इनको फौरी तौर पर जो है नैब लाहौर में पेश किया जाए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज सुबह पाकिस्तान पहुंचे हैं और अब उनके खिलाफ नैब में एक और इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है और इसी सिलसिले में रिपोर्ट कर रहे थे आज न्यूज के नुमाइंदे अदनान खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि वजीर खजाना इसहाक डार आज ही वतन वापस पहुंचे और एहतसाब अदालत में हाजिरी भी दी। अदालत ने उन पर 2 रोज बाद फर्द जुर्म आयद करने और मुकदमे की रोजाना की समाअत का हुक्म दिया है।
वफाकी वजीर खजाना वतन वापसी के साथ ही इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए, जहां जज मोहम्मद बशीर ने उनके खिलाफ जायद असासा जात के रेफरेंस की समाअत की। समाअत के आगाज पर ही अदालत ने अगली समाअत पर फर्दे जुर्म आयद करने का हुक्म सुनाया तो वजीर खजाना के वकील अमजद परवेज ने अदालत से 7 दिन की मोहलत मांगी, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए सिर्फ 1 दिन की मोहलत इनायत कर दी और 27 सितंबर को फर्दे जुर्म आयद करने का हुक्म देते हुए मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला सुनाया। आइंदा समाअत पर इसहाक डार की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए अदालत ने मजीद 50 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया और यह फैसला 2 रोज बाद सुनाया जा रहा है। उधर नाअहली केस में इमरान खान का कहना है कि मियां बीवी में अदायगी को जाहिर करना जरूरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत केस पर फैसला महफूज, इमरान खान को माफी मिलेगी या नहीं, फैसला 27 सितंबर को होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा ने पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमा अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान की जानिब से वकील बाबर अवान ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। स्पॉन्सर्ड कार्रवाई है, हर इदारे में इसी तरह की दरख्वास्तबाजी हो रही है ताकि यकसू हो के जमहूरी सफर आगे ना जा सके। अकबर एस बाबर के वकील ने मौकिफ अख्तियार किया कि इमरान खान को माफी के लिए 13 मौके दिए गए लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। एक ऐसा वकील जिसका माफी नामा वो कहते हैं उनका जाती फेल है, उस वकील का वकालत नामा ही जमा नहीं है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में। दूसरी जानिब इमरान खान ने नाअहली केस में मनी ट्रेल की असल दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया है कि मियां बीवी के दरमियान अदायगी किसी मजाज अथॉरिटी को जाहिर करना जरूरी नहीं। पावर ऑफ अटॉर्नी में बेनामी का लफ्ज हकायक के मुताबिक नहीं, गैर मुल्की आमदन से खरीदे गए लंदन फ्लैट जाहिर करना जरूरी नहीं था। और न्यूज़ में अब हम कुछ बात करेंगे कायदे हिज्ब इख्तलाफ सैयद खुर्शीद शाह की, जिन्होंने कहा कि किसी की भी डील हो इसका इल्म सिर्फ इमरान खान को होता है। कल तक एमक्यूएम को बुरा कहने वाले आज इत्तेहाद करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं खेलेगी। ये तमाम बातें उन्होंने सखर में कही। एमक्यूएम को जितना इन लोगों ने बुरा कहा है, उनके घर पे आज जा रहे हैं कि हमें वोट दो, हमारे साथ आ जाओ, मगर ये बदयानदारी पीपल्स पार्टी तो नहीं करेगी कौन से कि मिलके हम गुड्डी गुड्डी का गेम खेले या प्राइम मिनिस्टर पे भी मिलके गुड्डी गुड्डी का। मुझे डील का पता होता सबसे पहले मैं बताऊँ, ये सिर्फ आपको इमरान बता सकता है कि डील है या नहीं। और मैंने अपनी ईमानदारी के साथ 4.25 साल अपोजिशन जो इशूज है उसकी किए, उसमें कई मरतबा ऐसे इशूज भी आए जिसमें तकरीबन पीटीआई असेंबलियां छोड़ चुकी थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सेनेटर मियां तीख ने कहा है कि इस्लाहाती बिल की मंजूरी के पीछे एमक्यूएम के 4 और लोग भी कसूरवार हैं, अकेले इनको सजा दी गई है। साथ ही कसर नफसी से यह भी धमकी दे दी कि कराची की कुछ जमातें उनसे राबते में हैं। वो आज न्यूज के प्रोग्राम न्यूज आर विद नाजिया में गुफ्तगू कर रहे थे। 3 अहम लोग जिसमें नायक साहब, रुबीना खालिद, फतेह मोहम्मद हसनी, इन्होंने वोट दिया। किसको वोट दिया इन्होंने? इन्होंने हकूमत वक्त को वोट दिया। नहीं, मुख्तलिफ पार्टियों वाले जी, जिस तरह मतलब कराची से ही जो जो कराची की पार्टियां हैं उन्होंने भी रब्ता किया है, ऐसी बात नहीं। नज़िम तहरीके इंसाफ की जानिब से शोकॉज दिए जाने वाले सेनेटर नुमान वजीर कहते हैं कि हुकूमत ने गेम किया है। उन्होंने इस्लाहाती बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान किया। नुमान वजीर ने यह फैसला आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में किया। ने ये फैसला किया कि मैं इसको बिल्कुल, जब एक्ट पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट इसको पास साइन ऑफ करेगा, देन यू कैन चैलेंज दिस इन द सुप्रीम कोर्ट। आई वुड 100% चैलेंज दिस, पार्टी के साथ मशवरा करने के बाद इसको 100% मैं चैलेंज करूंगा सुप्रीम कोर्ट। आप इसको करेंगे सुप्रीम कोर्ट में खुद? आप खुद सेंटर साहब, अच्छा आप खुद इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर? ठीक, मैं खुद इसको चैलेंज करूंगा।